दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू नहीं दर्ज किया था अवैध शराब का मुकदमा। लोकसभा चुनाव में नशा तस्करी व अन्य गैरकानूनी प्रतिक्रिया को रोकने के लिए बनाई गई पुलिस टीम के पुलिसकर्मी व दयालबाग चौकी में तैनात मुख्य सिपाही द्वारा लापरवाही बरतने पर डीसीपी एनआईटी ने की सख्त कार्रवाई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस आयुक्त राकेश कुमार आर्य के द्वारा तीनों जोन में शराब तस्करी व अन्य गैरकानूनी प्रतिक्रिया को रोकने के लिए पुलिस टीमों को नियुक्त किया गया है। नियुक्त की गई टीम में हवलदार विक्रम, एक्साइज टीम व पुलिस चौकी दयालबाग में तैनात मुख्य सिपाही ज्योति प्रसाद शामिल थे। आरोपित के पास से मिली थी अंग्रेजी शराब की 12 बोतल। ड्यूटी के दौरान पुलिस टीम के द्वारा एक व्यक्ति को चेक किया गया था। आरोपित के पास से अंग्रेजी शराब की 12 बोतल मिली थी, जिसे आरोपित के पास कोई बिल नहीं था। आरोपित ने अपना नाम राजन बताया। पुलिस कर्मियों द्वारा मौके पर बरामद शराब की फोटो उच्च अधिकारियों के पास भेजे गए थे। पुलिस टीम ने आरोपित के खिलाफ शराब की तस्करी का मुकदमा दर्ज नहीं किया, इसलिए पुलिस कर्मियों के खिलाफ ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई। दोनों पुलिसकर्मियों की विभागीय जांच के आदेश किए गए हैं। पुलिस आयुक्त राकेश कुमार आर ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगर किसी अन्य पुलिसकर्मी ने इस प्रकार की कोई भी ड्यूटी में लापरवाही की तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मांग कर ले गया सोने की चेन, नंदोई नहीं लौटा रहा। एक व्यक्ति अपने साले की पत्नी से सोने की चेन कुछ दिन के लिए मांग कर ले गया, वह चेन नहीं लौटा रहा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना खेड़ी पुल में गांव मोवई की रहने वाली अनुलता चौहान ने दी शिकायत में बताया कि करीब एक साल पहले उसके पुष्कर अजमेर में रहने वाले नंदोई घर आए थे। उन्होंने उसे 2-4 दिन के लिए उसकी सोने की चेन मांगी, कहा था कि एक कार्यक्रम में जाना है। उसने तुरंत सोने की चेन नंदोई को दे दी। कई दिन गुजर जाने के बाद भी नंदोई ने चेन नहीं लौटाई। उसे कई फोन किए गए लेकिन वह टाल मटोल करने लगा। जोर देने पर उसे नंदोई ने जान से मार देने की धमकी दी। इसके बाद इस मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।